धर्म के तौर पर हम जो आगे चलना चाहिए उसे हमारे जीवन का जी आत्मिक उत्थान होगा जी। और ये तो लौकिक जगत है, पर हमें धारण करना, अच्छी चीजों को हम धारण करें जी और अपने जीवन का उद्धार करें, राष्ट्र को हमारा धर्म। धर्म का पतन होता जा रहा है, ये अलग बात है कि धर्म के नाम पर बहुत काम भी हो रहा है, क्या कहेंगे? अच्छे और बुरे लोग सदैव से रहे हैं जी, भगवान ने अच्छाइयाँ बढ़े हैं जी, और साधु संत का बहुत बड़ा त्याग और बहुत प्रेरणा से सारा समाज अच्छे पद पर आगे बढ़ रहा है जी। और बहुत ही जल्दी हम लोग जो ये आगमन में चल रहा होगा कि ज्ञान वापी मंदिर में भी हम लोग भगवान शिव का तो मंदिर बनाएंगे और पुनः वहाँ पे रुद्राभिषेक अभिषेक और हर हर महादेव का नारा लगेगा। तो धर्म के मामले में मोदी और योगी जी को काफी अनुकूल माना जा रहा है, काफी संभावनाएं है, क्या कहेंगे? हमारा सौभाग्य मिला है जी, पूरे भारत भूमि के लिए ही है, पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है, मोदी और योगी जैसे महापुरुषों का नेतृत्व भारत में कर रहे हैं। तो आप तो यूपी से आए हैं जी, हम यूपी से आए हैं, तो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है क्या धर्म विकास की क्या संभावना है? वर्तमान समय में मैं आया हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ इतना प्यार मिला है जी। और यहाँ के लोगों के हम तो सुनते थे जी, जी। बिहार से मेरा बड़ा गहरा संबंध भी रहा है जी, जी। हमारे तमाम महापुरुष पंच गुरु सब बिहार से ही हैं, तो लेकिन बिहार में आकर के व्यक्तिगत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम देना चाहते हैं कि भाईचारा बढ़े, हम सभी प्रेम से आगे बढ़े और सीमितता संकीर्णता का परित्याग करके ऐसे जो हमारे अनेक परिसर जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं जी, उनका उत्थान हो और वो आगे बढ़े। भगवान सूर्य के स्थल पर आए हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो प्रकाश स्वरूप हैं जी, उनके अभाव में पूरा जगत अंधेरे में रहता है, तो भगवान का प्रकाश हम सबके हृदय में विद्यमान हो, हम अपने आत्मा का दर्शन कर सकें और सबके हृदय में भगवान सूर्य का प्राकट्य भाव हो और उनकी अध्यक्षता में उनकी छत्र छाया में हम अपने जीवन का उद्धार करें, हमारे तीनों ताप कटें तो भगवान के प्रताप से, यही चाहिए। हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि सबसे अलग है, विशिष्ट है। नहीं, जो सबसे अच्छा होगा वो तो अलग ही होगा, तो स्वाभाविक है। हिंदू धर्म सबको लेके चलता है, जो सबको लेके चलता है उसके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप भी होता है, तो हमारा हिंदू धर्म तो सनातन है, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, बाकी सब उसी के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भटक गए हैं थोड़ा सा, हम लोग उस गार्डन में लगे हुए हैं, घर वापसी में लगे हैं, हमारे बच्चे घर आ जाए। वर्तमान समय में रमन जी और हमारे बीच में विद्युत परिषद अन्य सब में परस्पर संवाद होते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। रमन जी गृहस्थ जीवन के में भी एक सन्यासी हैं और उनकी जो सोच है पूरे विश्व में, अभी हमारी उनकी कुछ दिन पहले बात हो रही थी जी, और वो चाहते थे कि पूरे विश्व में मंदिर बने, पूरे विश्व में, भारत जी, में ही नहीं, भारत में जितने हमारे पौराणिक धरोहर हैं जो जीर्णशीर्ण हो गए उनका तो जीर्णोद्धार हो ही, पूरे विश्व में हमारी सनातन संस्कृति परंपरा फैले और कम से कम उनके शरीर से, बोले कि उनके शरीर से 1,00,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, तो ये बहुत गौरव का विषय है। ऐसे महापुरुष हर घर में जन्म ले जी, रमन जी जैसे महापुरुष हर घर में जन्म ले और सबका बच्चा रमन जी जैसा बने, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हम सभी को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा जी, सबको साथ साथ आना पड़ेगा साथ। क्या परिचय हुआ आपका? मैं स्वामी अविमुक्तानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर मेरा पद है, श्री पंचदशनाथ जूना अखाड़ा जपेश्वर मठ बैजनाथा में मैं विराजता हूँ।